ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल के हिसाब से ह्यूमन बीइंग्स की एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है ताकि उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। इन कंट्रास्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से एजुकेशन और हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि हर पर्सन एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जी सके। ह्यूमन कैपिटल के हिसाब से ह्यूमन बीइंग्स एक साधन है जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। ह्यूमन बीइंग्स पर की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट व्यर्थ है अगर वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाता है तो। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ केयर हर ह्यूमन बीइंग का अधिकार है जिससे वो एक हेल्दी और क्वालिटी लाइफ जी सके। ह्यूमन वेलफेयर इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन वेलफेयर इज द मेन ऑब्जेक्टिव। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फर्स्ट, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम हैं, जिससे ह्यूमन कैपिटल भी बहुत कम है। सेकेंड, सीरियस इनफिशियंसीज, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब्स ना होना। जब कोई काम ही नहीं है तो एजुकेटेड पर्सन की स्किल्स और कैपेबिलिटीज कैसे यूटिलाइज होंगी? हेंस नो यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेबिलिटीज। अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्कर्स की स्किल्स के हिसाब से जॉब नहीं मिलना। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन के पास सारी स्किल्स और कैपेबिलिटीज हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब के लिए, लेकिन कोई वैकेंसी ही नहीं है। सपोज इसकी जगह टाइपिस्ट की जॉब है तो उसे मजबूरी में टाइपिस्ट की जॉब करनी होगी जिसमें उसकी स्किल्स और कैपेबिलिटीज यूज ही नहीं होंगी। इन दोनों केसेस में ह्यूमन रिसोर्सेस वेस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा मैसिव लिटरेसी, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज अदर इनफिशियंसीज हैं। थर्ड, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मीन्स पीपल एक जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह जाएं जहां उन्हें अच्छी सैलरी और अच्छी जॉब मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में एक डॉक्टर की इनकम है 50,000 पर मंथ, लेकिन उसे कनाडा में 1,50,000 मिल रहे हैं, तो वो सीधा उड़ के कनाडा चला जाएगा जहां वो एक अच्छी और ज्यादा रिच लाइफ जी पाएगा, विच रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया। फोर्थ, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग मीन्स पर्सन को उसकी स्किल्स के हिसाब से राइट जॉब मिलना। अगर मैन पावर प्लानिंग नहीं है तो क्या होगा? देयर विल बी एन इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ वेरियस कैटेगरीज। लेट्स अंडरस्टैंड, इकोनॉमी में टू टाइप्स के वर्कर्स होते हैं, हाई स्किल्ड वर्कर्स एंड लो स्किल्ड वर्कर्स। अगर इकोनॉमी में हाई स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम, और लो स्किल्ड वर्कर्स की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम, पहले केस में लो प्रोडक्शन होगा और दूसरे केस में वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग ना होने की वजह से इकोनॉमी के रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं।